जो चीज का 1000 रूपए लग रहे हैं, 1000-2000 में कहाँ 15000 रूपए जी रहे हैं, किसी की कमाई है ये। तो फिर बंदा एक ही बार मंगवाया उनके साथ, फिर दूसरी बार मंगवाए ना, इसी से आपको भी मंगाया करो। अगर आप अलीबाबा से या किसी और वेबसाइट से या डायरेक्ट सप्लायर से कुछ इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं या फ्यूचर में कुछ इंपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी पहली शिपमेंट में 20 से 50,000 रुपए तक का नुकसान होने से बचा सकते हैं, लूटने से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन सा प्रिकॉशनरी स्टेप्स है जिसको आप ले सकते हैं ताकि आपको आपके साथ ये दुर्घटना ना हो। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक हमारे सब्सक्राइबर से, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उनकी पहली शिपमेंट पहला इंपोर्ट था तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैंने भी उनको पूरा कोऑपरेट किया। उनकी पहली शिपमेंट उन्होंने मेरे को दी, उन्होंने बोला कि ये शिपमेंट है, ये 100 kg माल है और इसको एयरलिफ्ट कराया है। तो मैंने भी अपनी पूरी कैलकुलेशन करी, उनको 100 kg के लिए अराउंड 20-22,000 रुपये का मैंने एयरफेड दे दिया क्योंकि इस टाइम पर ऑलरेडी एयरफेड बहुत महंगा चल रहा था, उनको भी ऑब्वियसली महंगा ही लगा, उनको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम रखनी थी। तो मैंने भी उनको सजेस्ट किया चलिए फिर सी से मूव कर देते हैं। उन्होंने अपने सप्लायर से बात की और CIF टर्म्स पे शिपमेंट को उठा लिया। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि सप्लायर ने जो फ्रेट कॉस्ट था सी फ्रेट था वो प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया, जो कि ठीक है $50-60 बढ़ गए, बहुत बढ़िया झमेला सारा खत्म। उन्होंने मेरे को रिवाइज इनवॉइस दी, मैंने भी गो अहेड दे दिया, चलिए ठीक है भाई CIF ले लिया, कोई जरूरत नहीं, कोई एयर फ्रेट नहीं, कोई झमेला नहीं। अब थोड़ा सा पॉज लेते हैं और ये समझते हैं कि CIF क्या होता है। CIF एक्चुअली एक इनको टर्म्स है जो कि वैसे तो जनरली 11 इनको टर्म्स है, बट जो इंडिया में चलने वाले सबसे ज़्यादा फेमस इनको टर्म्स है वो है आपके CIF, FOB, FCA और XWAS। हमारे केस में CIF है तो CIF की बात करेंगे। CIF में होता यह है कि माल को पोर्ट ऑफ ओरिजिन मतलब सप्लायर के वेयरहाउस से लेके पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, जो भी अग्रीड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज है वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सप्लायर की होती है। फ्रेट वगैरह एजेंट वगैरह सबको सप्लायर ही देखता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको बस उनको टोटल एक अमाउंट दे देना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ही वो फ्रेट वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। बहुत बढ़िया, आप बोलेंगे कि यही बहुत बढ़िया है, इसमें तो फिर 4-5 लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, कोई सिरदर्दी नहीं। मैं बोलूँगा हाँ, वैसे होता भी यही है कि इनिशियल लेवल पर छोटी शिपमेंट है तो ये CIF टर्म्स भी जनरली लोग प्रेफर करते हैं, और बढ़िया भी आपकी सिरदर्दी भी खत्म हो जाती सारी की सारी कि 4 लोगों से बात करना है, फॉरवर्डर एजेंट से बात करना है, शिपिंग लाइन से बात करना है, CHA से बात करना है, वहाँ के ओवरसीज सप्लायर से बात करना है, तो ये सिरदर्दी खत्म है CIF में। तो मैंने भी गो अहेड दे दिया, चलिए अब उनका माल दिल्ली पोर्ट तक पहुंच गया, अब सप्लायर की जिम्मेदारी खत्म नहीं। यहाँ पे सप्लायर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, यहाँ पे पिक्चर में आता है सप्लायर का नॉमिनेटेड एजेंट। अब ये नॉमिनेटेड एजेंट हो सकता है कि कोई फॉरवर्डर हो, NVOCC एजेंट हो या CHA खुद हो। अब जब आपका माल ओवरसीज से लोकल पोर्ट पे आया है तो पोर्ट पे भी तो कुछ हैंडलिंग होती है, माल LCL के केस में जैसे कि हमारा LCL था, LCL के केस में पूरे कंटेनर में से माल निकल के वेयरहाउस में शिफ्ट करना, लोकेशन पे रखना, लोकेशन वगैरह फीडिंग कराना, ये सारा काम भी रहता है, इसे पोर्ट हैंडलिंग कहते हैं। अब जनरली पोर्ट हैंडलिंग के चार्जेस बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि अगर LCL लेते हैं चाइना से तो अराउंड $450 पर CBM, और DO चार्जेस होते हैं कुछ 1000 से 2500 के बीच में, अलग अलग शिपिंग लाइन के अलग अलग होते हैं। ठीक, मतलब आप ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि अराउंड 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में, ये मैक्सिमम 3-3.5 हज़ार रुपये के बीच में निपट जाता है। अब जब माल हमारे दिल्ली पोर्ट पे पहुंच गया तो कंसाइन मतलब बायर ने पूछा हमारे क्लाइंट ने कि भैया कितने चार्जेस हो सकते हैं, तो मैंने उनको बताया कि अपना कितना माल है, 1 CBM माल है तो आप ये मान लो कि पोर्ट हैंडलिंग यहाँ पे जो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं ₹450 पर CBM, और जिस भी शिपिंग लाइन से आपने मंगवाया वो आपको DO चार्जेस के लिए कुछ एक अमाउंट चार्ज करेगा, वो हो सकता है आपका 1500, 2000, 2500। ठीक है, उन्होंने लगा कि 3-3.5 हज़ार रुपये के अंदर काम बन जाएगा। बट जब इस नॉमिनेटेड एजेंट का इनवॉइस आया तो आप गेस करोगे कितने का आया होगा मतलब 3-3.5 हज़ार रुपये के जो चार्जेस लगते हैं उसकी जगह इस एजेंट ने हमको जो इनवॉइस रेज की वो थी 16,000 रुपये की। बस ये देखते क्लाइंट को हार्ट अटैक बस आते आते रह गया। और फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया, यार ये तो नॉमिनेटेड एजेंट था, मैंने इनको पहले ही बोल देना चाहिए था कि नॉमिनेटेड एजेंट से लोकल चार्जेस भी कंफर्म कर लो। अब हमारे साथ ये जनरली होता नहीं है, बहुत पहले एक बार ही हुआ था जब इनिशियली मैं इस लाइन में आया था, तो जनरली ये होता नहीं है। और ये जो लाइन था ये मेरा जानने वाला ही लाइन था, इससे हम ऑलरेडी लोकली भी काम कर रहे थे, मतलब मैं इनसे ऑलरेडी काम कर रहा था तो मुझे इनके पता था इनके चार्जेस क्या है, लाइन का नाम मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तो अब ये चार्जेस आए ये देख के वो भी हिल गए, मैं भी हिल गया, मैंने भी खूब ट्राई किया उनको फ़ोन करके कि हाँ भाई इतने चार्जेस कैसे होगा, ये वो इतने महंगे चार्जेस जनरली तो इतने लगते हैं, 3-3.5 हज़ार में काम हो जाता है। तब उनका बस यही कहना था, एक आप कोई भी नॉमिनेटेड एजेंट होता ना और जब आपको ऐसा महंगा चार्ज करता है, ये चार्जेस होते हैं जो वो लूटते हैं, इसे कहते हैं तरीके से लूटना। जब भी कोई आपका सप्लायर आपके एजेंट को नॉमिनेट करता है ना और आप अपने लोकल चार्जेस कंफर्म नहीं करते, तब आपको ये इनवॉइस फेस किया जाता है। सर्विस चार्ज के नाम पर उन्होंने 8,000 रुपये लिए, सर्विस चार्ज के नाम पर 8,000 रुपये, DO के नाम पर 5,000 रुपये।
सर्विस चार्ज जैसे कोई चीज़ नहीं होती, डीओ के नाम पर लगते हैं आपके 1200 से 2500 रुपये, और एक हैंडलिंग चार्जेस होते हैं जो कि 450 रुपये पर सीबीएम लगता है। सीबीएम मैं बता दूं, आपका जो माल का एरिया है 1 क्यूबिक मीटर का, अगर 1 क्यूबिक मीटर आपका माल ले रहा है एरिया, तो उसके लिए 450 रुपये चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब आ गया, मैंने खूब बात करने की कोशिश की कि हम तो ऑलरेडी लोकली काम कर रहे हैं, तो आपने इतना चार्जेस कैसे नहीं करेंगे, या जब नॉमिनेशन आता है तो ये हमारा ओवरसीज सप्लायर के साथ क्या कहते हैं एग्रीड चार्जेस है, आप अपने ओवरसीज सप्लायर के साथ बात करें। ओवरसीज सप्लायर के साथ क्या बात करें भाई, खूब मेल डाला, खूब किया, कुछ रिप्लाई नहीं कि तो इतने ही चार्जेस हैं जी हमारे साथ, तो ऐसे ही होता है हमेशा, हम तो उनको देते हैं और जो भी वो चार्ज करते हैं वो उनका लोकली म्यूचुअली कस्टमर के साथ होता है। तो बस यही था, और अब मानेंगे नहीं, इनफैक्ट ये जो लाइन था, इस लाइन ने इतना हैवी चार्जेस नॉमिनेशन के केस में चार्ज किया था। वहाँ पे मेरा फ्रेंड एक सीनियर पोस्ट था, जो कि अभी 4-5 महीने ही पहले उसने वहाँ से छोड़ के अपना काम स्टार्ट किया है। फिर मैंने उसको भी फ़ोन लगाया कि भाई ऐसा ऐसी बात है, ये कर दे यार, तो उसका भी सेम स्टेटमेंट था यार, नॉमिनेशन के केस में यही तरीका है लोगों को कमाने का। अरे चंद भाई, क्या चाल? बढ़िया भाई, कुछ हो सकता है क्या? इनवॉइस भेजूं आपको मैं? यार मेरा कोई सीन है नहीं, वापस बताऊंगा। कह रहा हूँ, अब तक मैंने सुना ही था कि मतलब ऐसे लेके आओ नॉमिनेटेड में तो इतना पैसा ले लेते हैं, वो तो मेरे जानने वाले के साथ ही हो गया। होता है सर, ऐसा मार देती है। और ये जो चार्जेस है ना, ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, ये 50-50, 70-70 हज़ार रुपये तक चले जाते हैं कई बार, तो अगर आपका माल ज़्यादा है या पूरा कंटेनर है, जब भी आपको नॉमिनेशन केस होता है और आप लोकल चार्जेस को कन्फर्म नहीं करते, तो हमेशा जब भी आप पहली बार इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आप अपने सप्लायर से, अगर CIF टर्म्स ले रहे हैं तो आप अपने सप्लायर से हमेशा लोकल चार्जेस कन्फर्म कर लेना चाहिए। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से लोकल एजेंट हमारे यहाँ के यू नो नए नए इम्पोर्टरों को लूटते हैं, जो जिनको कुछ पता नहीं होता कि लोकल में कितने चार्जेस होते हैं, और नॉमिनेशन के केस में ये तरीके से इम्पोर्टर को कर देते हैं। तो इससे बचने का सोल्यूशन मैं बताता हूँ, देखिए कंक्लूजन ये है, सोल्यूशन ये है, या तो अगर आप CIF टर्म्स ले रहे हैं तो आप अपने सप्लायर से पहले ही बात कर लीजिए कि लोकल चार्जेस तक मेरे को दे दो, मैं कुछ भी चार्जेस पे नहीं करूँगा सिवाय कस्टम ड्यूटी के। और कस्टम क्लियरेंस एजेंट, अगर आप कस्टम क्लियरिंग कराएंगे तो कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपसे जो एजेंसी लेगा वो तो आपका एग्रीड हो गई। उसके अलावा हैंडलिंग हुंडलिंग को लेके आप कोई भी चार्जेस, सारे के सारे चार्जेस आप पहले ही कंफर्म कर लीजिए अपने सप्लायर के साथ, या आप पूछ लीजिए कि आपको नॉमिनेटेड एजेंट कौन है इंडिया में, और उससे फिर पहले ही बात कर लीजिए कि क्या चार्जेस लगेंगे, भैया मेरे को पहले बता दो, मेरे को अपनी कॉस्टिंग तैयार करनी है। सेकंड आप ये कर सकते हैं कि अपनी शिपमेंट को FOB लेके आए, FOB के केस में सप्लायर का काम चाइना के पोर्ट तक ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना जो आपका जो यहाँ का लोकल एजेंट है उससे आपने बात करी रखी कि भाई आपको मेरे माल को चाइना से उठा के यहाँ तक लेके आना, कितना खर्चा आएगा हैंडलिंग वोडिंग मिला के। तो ये दो तरीके जिस तरीके से आप ये अपने जो 50-60 हज़ार रुपये ना इसको लुटने से बचा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे, ये पहली बार मेरे साथ हुआ है, बट ये पहली बार नहीं है, ऐसे मैंने बहुत सुना है, आज तक मैंने सुना ही था ये मेरे साथ हो पहली बार गया, क्योंकि मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इनिशियली। तो आप थोड़ा ध्यान देके चलिए और अपने पैसों को बचाइए और तरीके से इंपोर्ट करिए। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा।